नमस्ते। प्रकृति किसे कहा जाता है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम वायु प्रकृति के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वायु प्रकृति के लोगों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना पसंद करूंगी। क्या आपको आपके कॉलेज या स्कूल डेज का वो एक फ्रेंड याद है जो बेंच पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से पैर हिलाया करता था? वो आखिर ऐसा क्यों करता था? आपके मना करने के बावजूद भी वो फिर से थोड़ी देर में पैर हिलाने लगता और आपको कहना पड़ता, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तू पैर हिलाना बंद कर। क्यों वो ऐसा करता था? क्योंकि उसकी प्रकृति वायु थी। वायु प्रकृति के लोगों को समझाने के लिए एकमात्र और अच्छा शब्द है, वो है अस्थिरता। ये लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, अगर वो सीध खड़े रहेंगे तो भी सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे। जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे तो या तो एक पैर आगे करके रहेंगे, एक हाथ उनका कमर पे रखा हुआ रहेगा। जब वो बात करेंगे तो बॉडी के मूवमेंट्स, हाथों को ज़ोर से हिलाना, मुँह को ज़ोर ज़ोर से हिला के बात करते रहना, इसी तरीके से वो बातें करेंगे। उनमें उत्साह भरपूर रहता है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं तो वो अगर प्रकृति वायु की है किसी फैमिली मेम्बर की, तो वो बहुत प्यार से बोलेंगे, अरे आओ 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 आओ। आप इस तरीके से हर प्रकृति के लोगों को बोलते हुए नहीं सुन पाएंगे। इसके अलावा उनमें इतना अच्छे से उत्साह भरपूर रहता है कि वो किसी भी नए काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उस काम को वो बीच में छोड़ देंगे या फिर वो उसे कंटिन्यू करेंगे, वो कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यानी कि वो अस्थिर रहते हैं इन एवरी वेज। अगर उनने कुछ शुरू किया है तो उसमें उत्साह ज़रूर रहेगा, पर हो सकता है इन बिटवीन जाके उनको लगेगा अब ये काम नहीं करना, इसकी जगह मुझे कुछ और प्रोग्राम करना है। वायु प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका कन्फ्यूज़न लेवल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो ढेर सारी शॉप पे जा सकते हैं, ढेर सारी मल्टीपल चीज़ें देखेंगे और उसमें से कोई एक चीज़ पसंद करेंगे। यानी कि उनका कन्फ्यूज़न लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर हम एनिमल्स में से इनके एग्जाम्पल ढूँढें तो जो एनिमल्स रहते हैं उसके अंदर श्वान यानी कि डॉग, और जो बर्ड्स हैं उसमें कौआ वायु प्रकृति का एग्जाम्पल है। आपने कभी डॉग को सोते हुए देखा ही होगा, ज़रा सी आवाज़ होने पर भी वो बेचारा उठ जाता है और अलर्ट रहता है हमेशा। वायु प्रकृति के जो लोग रहते हैं उनके लिए नींद आना बेचारों के लिए बहुत बड़ा इशू होता है। जगह बदलने के कारण से, कोई ज़्यादा थॉट प्रोसेस होने के कारण से, एटमोसफियर चेंज होने के कारण से, इनमें से किसी भी इशू के कारण से उन लोगों को नींद देर से आ सकती है और नींद रात को डिस्टर्ब भी हो सकती है ज़रा सी आवाज़ होने के कारण से, या फिर जब वो यूरिनेशन के लिए उठे और कोई थॉट प्रोसेस आना चालू हो गया तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हम हमारे भगवानों के बारे में बात करें तो हनुमान जी जो हैं, हमारे पवन पुत्र हनुमान वायु प्रकृति का एग्जाम्पल है। हनुमान जी जो हैं उनकी आप कोई भी प्रतिमा अच्छे से स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं देख पाएंगे जैसे कि राम जी की रहती है। उनका एक पैर मुड़ा हुआ रहेगा, उसके साथ में एक हाथ में गदा रहेगी। इसी तरीके से आप वायु प्रकृति के हमारे हनुमान जी की प्रतिमा देख सकते हैं। उनमें अस्थिरता का गुण भी आप देख पाएंगे। वो बड़े बड़े विचित्र विचित्र काम कर सकते हैं, सूरज को निगल सकते हैं, सूक्ष्म रूपधरी सिंहाई दिखावे बिकट रूपधरी लंका जवारे, छोटा सा रूप ग्रहण करके और वो सीता माता से मिलने भी जा सकते हैं, और बड़ा सा रूप ग्रहण करके पूंछ को लंबी करके और लंका में आग भी लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं वायु प्रकृति के लोग कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हनुमान जी को हम क्या चढ़ाते हैं? तेल चढ़ाते हैं। वायु प्रकृति के जो लोग रहते हैं उन्हें तेल जैसा मॉइस्चर या फिर स्निग्धता अच्छी लगती है हर एक बात में। वायु प्रकृति के लोग चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें खूब प्यार करें। वो लोग काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं तो उनको पैम्पर करके रखा जाए, उनको अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर हम कलाकारों में बात करें तो हमारे प्रिय कुमार विश्वास जी जो हैं वो वायु प्रकृति का उदाहरण है। आपने उनको बोलते सुना है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। इतना बोलने के बाद में वो जाएंगे, मैं एक बार लखनऊ में बात कर रहा था, और फिर उस बात को कंटिन्यू करके आएंगे, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। पर वायु प्रकृति के जो लोग रहते हैं वो कुछ बोलते बोलते ये बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि मैंने किस पॉइंट से बात शुरू की थी, उसको मैं किस दौर पे लेके गया और मैं कहाँ लाके उसको फिर से ज्वाइन करूँ। उनका बोलने का कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। माँ सरस्वती उनकी जीभ पे रहती है। इसके अलावा वायु प्रकृति के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं, पर हाँ, याद रखने के बाद में थोड़े टाइम में उस चीज़ को शायद भूल भी सकते हैं।
जितने भी कलाकार जो स्टेज पे आप देखते हैं, जो नाटक वगैरह में रहते हैं, उसमें से कई सारे लोगों की जो प्रकृति होती है वो वायु प्रकृति होती है। वायु प्रकृति के जो लोग रहते हैं उन्हें आर्थराइटिस, किसी भी जॉइंट्स में पेन होना, सारे वात व्याधि यानी कि पेन रिलेटेड, वायु रिलेटेड जितने भी डिसीजेज़ हैं वो होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डिसेंट्री यानी कि ग्रहणी होना, ये सारी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हम देख सकते हैं। इसके अलावा वायु प्रकृति के लोगों का जो स्किन टोन होता है वो श्याम वर्ण का रहता है और स्किन लश्चर वाली नहीं रहती है। उनका स्किन जो रहता है वो काफ़ी ड्राई रहता है, स्काल्प भी कंपैरेटिवली ड्राई रहता है और बाल भी रूखे रहते हैं। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में वायु प्रकृति के लोगों के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आयुर्वेद पंचकर्म से रिलेटेड और जानकारी के लिए नक्षत्र आयुर्वेदम के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।